हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए कैसे होगा कि डमक रहा है कैंपो लूट की तरफ से। हमारे को आपको 200 रुपये आपके पेटीएम वॉलेट में इंस्टेंस रिसीव हो जाएगा। ये कैंपो लूट ना आपको ना पेमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कैंपो लूट को ना मैंने खुद ना पर्सनल चार्ज करके देखा था, मेरे को पैसा रिसीव हो चुका था कैंपो लूट की तरफ से। आपको कैंपो लूट का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर आप क्लिक करके आपको यहाँ पर पोस्ट जाओगे ये कैंपो लूट के वेबसाइट पर पोस्टने को आपको ऊपर लिखा हुआ एंटर पेटीएम डाल के सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करोगे आपको प्ले स्टोर भेज देगा, तो बाद में जो एप्लीकेशन दिख रहा है ना इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा। मेरे मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं, इसको ओपन कर लेता। ओपन करने को आपको यहाँ पर फोन नंबर डालने के बोलेगा, तो आपको फोन नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको फिलअप करके फिर इसको भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपको ना कोड डालने के लिए बोलेगा, तो देखो आपके स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है ना वो कोड आपको यहाँ पर डाल देना होगा। सेम टू सेम कोड ना मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नया ना कैंपो लूट में भी आपको एक कोड मिल जाएगा। वहाँ से देख के आप यहाँ पर ना कोड डाल देना, फिर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक कर दोगे फिर उसके बाद ना आपको यहाँ पर 6 डिजिट का ना कोड ना जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो आपको 6 डिजिट का ना कोड ना जनरेट कर देना, फिर दोबारा ना आपको फिर कन्फर्म करने के लिए बोलेगा। तो आपको और कन्फर्म भी कर लेना होगा। फिर आपको फिर यहाँ पर पान कार्ड का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पर पान कार्ड का नाम सुनकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन में ना एक PDF का लिंक दे दूँगा, उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको पान कार्ड का नाम मिल जाएगा, उसके बाद में आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नाम में ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाएगा, उसको डाल के फिर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको फिर ना पान कार्ड का नंबर डालने के लिए बोलेगा। तो नंबर तो आपको नाम के बाद में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आपको नंबर भी डाल देना होगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बर्थडे डालने के लिए पूछेगा। तो आपको यहाँ पर ना रैंडम से कोई भी बर्थडे चलेगा, 18 साल के ऊपर वाला होना चाहिए। फिर ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोलेगा, ईमेल एड्रेस डाल के फिर जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। फिर आपका ना जिप कोड, मतलब आपके एरिया का पिन कोड आपको नहीं पता होगा, तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा आपके एरिया का पिन कोड। यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया, फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद ना मेरा ना सक्सेसफुल साइनअप हो गया। फिर आपका पेटीएम खोल के देखा था, यहाँ पर मेरे को 200 रुपये रिसीव हो चुका था, और भी कैंप भी लूट की तरह से, और मेरे को पेमेंट ना 5 मिनट में रिसीव